बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान होया है। पंजाब सरकार वालों किसानों नूं मुआवजे देने की गल तां कही जा रही है, पर जमीनी पत्थर ते उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जेकर सरकार ने किसानों की मुश्किलों का हल ना किया तां आने वाले दिनों च जत्थेबंदियों वालों सरकार खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा वख-वख पिंडां तों आए किसानों ने बड़ा पिंड च मीटिंग मगरों किया। इस मौके किसान आगू जसबीर सिंह, जत्थेदार चूहड़ सिंह, ब्लैक संति मैंबर नवदीप सोता, किसान आगू तरसेम सिंह ढिल्लों ने कहा कि सरकार वालों 13 अप्रैल नूं किसानां नूं चैक देने की गल की जा रही है, पर हजे तक हल्का फिलौर च 70% पिंडां च फसलां की गोदावरी तक नहीं हुई, तो चैक ये किवें देणगे? जिहड़े पिंडां च पटवारी आ भी रहे हैं, महज खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उन्होंने खेतीबाड़ी महकमे का कोई अधिकारी हुंदा, ना ही वह पूरा वेरवा लिख के लैके जाते हैं। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को SDM फिलौर मंग पत्र दिता जाएगा। इसके नाल ही उन्होंने कहा मंडिया का हाल बेहद माड़ा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना सफाई करवाई गई है, ना पीने वाले पानी का प्रबंध है, जबकि 1 अप्रैल तो सरकारी खरीद शुरू हो गई है। खेतीबाड़ी मंत्री सोशल मीडिया से एवें दबके मार के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी, पहला सारा वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह। जो कि आपां नूं पता भी पंजाब दे विच बहुत भारी नुकसान कणक दी फसल का होया, पहला भी 2 फसल खराब हो चुकिया और कणक का भी भारी नुकसान होया, और गौरमेंट वालों बार बार यही बयान दिते जाते हैं, जो कि खोखले बयान निकलते हैं भी असीं वड्डे पद्धर ते गदावरियां कर रहे हैं, और साडे नगरां दे विच हले काफ़ी गदावरी करन वाली पई आ, क्योंकि नुकसान काफ़ी होया। 40 to 70-80% का नुकसान हर परिवार का होया, हर किसान का होया। जो कि उस वेले पटवारी गदावरी कर रहा होंदा, उहदे विच कोई लिखता नहीं है किन्ने परसेंट नुकसान आ, जिमीदार की सैटिस्फाई दसो किहड़े हिसाब नाल होगी। सरकार करी जांदी है 13 तरीक नूं चैक देने आ, गदावरी होई नहीं, चैक कादे देणगे? सानूं तां इह नहीं समझ लगदी वी किहड़े हिसाब नाल इह सरकार काम कर रही आ, किहड़े हिसाब नाल किसानी नूं उत्साहित करेगी। जदों गल करदे असीं किसानी लिया कर दांगे, किसानी लिया कर दांगे, पर किसानी लई तां हो ही कुछ नहीं रहा। जद कि इस वेले किसान तरह तरह करता फसल में देख के, जा खेत जाता, कोई दाने काले काली हुई आ, कोई डिगी हुई जा रहे हैं, वो झाड़ में बड़ा फर्क पै रहा। सो इस करके सरकार को पूर जोर अपील आ कि साडा बनता मुआवजा हर एक किसान दिता जाए, यह ना हो कुछ एरिए देख के बाकी सारे किसानों उदा ही छड़ दिता जाए। धन्यवाद जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिहड़ी कि अज्ज मीटिंग जिहड़ी बड़ा पिंड विखे गुरुद्वारा श्री बाबा सलाणा विखे हुई आ, इहदे कुछ एजेंडे ने। पहला सब तो महत्वपूर्ण एजेंडा जिहड़ा इह आ वी जिहड़ी हुण पिछले दिन बारिश नाल खराबा होया फसल का, काफ़ी फसलों खराबा होया, पर ज़्यादा जिहड़ी बैल्ट दे विच कणक दी फसल सी उहनूं बहुत नुकसान पहुँचा। उहदे लई सरकार ने जो गोदावरी दे ऑर्डर दित्ते आ, जो नहीं नोटिफिकेशन जारी कीते आ, उहदे उत्ते अमल नहीं हो रहा पूरा। जिहड़ा माल महकमा उहने कहा माल महकमे दे नाल खेतीबाड़ी महकमा इहदी करूगा जिहड़ी गोदावरी, पर वह खेतों तीन किसानों के पहुँच नहीं रहे। जिहड़ी गदावरी कर भी रहे, सिर्फ किसान का नाँ तो किसान की जमीन के मालिक का नाँ लिख के कोई नुकसान नहीं लिख रहा, वो किन्ने परसेंट नुकसान आ। असं चाहते भी उन्होंने भी दुरुस्त तरीके जी गदावरी कराई जाए। तो दूजी मंग ये भी आ भी जिहड़ा एरिया आदे मंडिया पैनिया, मंडिया के भी अभी मंग करते हैं सरकार तो भी पुख्ता इंतजाम। मंडिया पहली गल सफाई है नहीं, हजे कणक की आमद शुरू हो गई आ, कोई पीने वाले पानी का प्रबंध है नहीं, भावें 2-4 किसान ही गए, पर फर्ज बनता सरकार का मंडी बोर्ड का प्रबंध करना। नाल ही साडी बेनती ये भी हदायत भी आ कि सरकार अफसरशाही मंडी के कल किसान किसी तरीके कणक बरीक आ ये काली आदि तरीके हरास ना किया जाए, क्योंकि पहला कुदरत ने मार झल रहा किसान, तो हुण सरकार जी उत्ते कोई मार ना मारे। ये साडियां बेनतियां, अज्ज मसले होर भी सीगे, वो तो आनू सारे मेरे साथी जेड़े चैनल पाँगा। सरकार कह रही थी विसाखी तो पहला किसानों के खाते के पैसे आ जाऊंगे, या जो पहला वादा होया 30,000 रुपया बिना गोदावरी तो भी आऊगा किसानों के खाते के? वह गल देखो जी, जो तुम सवाल किया ना, बड़ी हैरानी होंगी आ, हैरानी इस गल की होंगी आ, सरकार कह रही है जो अफसर कह गोदावरी का समा बधूगा, मैं हासों ही नहीं गल आ भी कणक कट जानी है, तिना तो 2-3 दिन शुरू हो जानी है। जी कणक कट्टी गई उन्होंने फिर की देखे, जुंडिया तो देखे जी नाली होगी बच्चों तो देखे भी कि नुकसान होया। ये सारिया खोखलियां गल्लां ते मीडिया के मूहरे पटवारियों दब के मार के, साडे जिहड़े मानयोग खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल जी पटवारी दब के मारते, इतने उन्होंने मारते, खेतीबाड़ी अफसर मारते, सिर्फ एक तरह की शोशेबाजी मैं कह सकता,
क्योंकि जमीनी तौर पर हकीकत कोई चीज़ लागू नहीं हो रही। किसान की ना पहला सुनी गई अज तो 70 साल च ते ना किसान की अज सुनी जा रही है। भाजी हम मैं ये गल कहनी नहीं चाहता पर गदावरी जी तुम आप देख लो जो मर्जी किसान पुछ लो गदावरी हजे 60-70% रही है। छोटे छोटे पिंड की गदावरी बड़े साढ़े जो पिंड खड़े बड़े पिंड की गदावरी हजे 70 रुपए रही है। जे गदावरी करते भी आ वो कहते पर दूरों खड़ के ठीक है जी ठीक है बस ए खत्ता खड़ा है जो किसी का आलू वाली फसल का जो कोई गन्ने वाले कमाद से बढ़ता उन्होंने देखिए कहते सही है जी। असं कहने सारी दुरुस्त होनी चाहिए आ जी चेकों की गल तुम कही आ देखो गल कहनी नहीं चाहिए पर गल यही है जो मूंगी की एम एस पी का हाल होया पंजाब जिहड़े किसान एम एस पी मंगते रोले आ 25% किसानों एम एस पी मिली आ मूंगी जिनी बीजी गई थी तो उ हाल मैं लगता ये हो गया जुमलेबाजी है मोदी सरकार तो बाद दूजी सरकार जी जुमलेबाजी की सरकार है। सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी दसना चाहना कि जिहड़ी सरकार आ पंजाब सरकार खास करके ते सेंटर सरकार इन्हां वल्लों बहुत नैगेटिव जिहड़ा माहौल सिरजा जा रहा हर एक जिहड़ी मीडिया आ उहनूं गुलाम बनाया जा रहा मीडिया नूं बंद करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं जिहड़ा इन्हां दी पक्खी हाँ पक्खी मीडिया लिखदा उन्होंने उत्साहित कर दिया जिहड़ा इन्हां दे विरोध में कुछ भी लिखता तो उन्होंने बेफायदा किया जा रहा तंग। तो बाकी ये है कि जिहड़े अपने पंजाब का आप देखते माहौल कि जिहड़ी सरकार आ बिना वजह नौजवानों नूं फड़ फड़ के जेलां दे विच डक रही आ झूठे परचे बना रही आ मैं सरकार नूं ताड़ना करदा क्योंकि जेकर ये अपने इदां दे मनसूबियां तो बाज नहीं आउंदे तो असी सारियां किसान जथेबंदियां ते होर सिख जथेबंदियां रल के पंजाब सरकार के विरोध के बहुत बड़ा जिहड़ा धरना लीकांगे। सो उहदी जिहड़ी सरकार आ वो जिम्मेवार होवेगी। तो बाकी जिहड़ा आपां सुणिया आ वी देखदे आ कि फसलां बहुत नुकसानियां गईआं ये फसलां दा मुआवजा बणदा योग दित्ता जावे ना कि जिहड़े सरकार दे चहेते आ उहनां नूं ही दे दित्ता जावे। सो मैं फिर सरकार नूं कहना कि जिहड़ियां साडियां हकी मंगां आ साडा मुआवजा आ जिहड़े किसानां दी फसलां खराब होईआं उहनां दीआं सही गदावरियां कराईआं जाण ते जिहड़े नौजवानों के उत्ते तशद्दुद करके जेलां विच बेकसूरे डके आ उहनां नूं बाहर कीता जावे। तो इस दे लई असीं कल ठीक 10 बजे SDM साहब फलौर नूं मंग पत्र भी सारे संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों ते सारे नगरां वल्लों दे रहे हां जिहदे विच हज़ारां दी गिणती विच असीं कल 10 बजे फलौर भी पहुँचागे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। जी अज जो साड़ी मीटिंग हुई आ यह साडे रिगार्डिंग जिहड़ा मीह ने रीझखड़ आ के साडियां किसानां दीआं फसलां खराब होईआं आ बहुत सारियां फसलां डिगियां आ उहनां दा 35-40% किते 50% भी ज़्यादा नुकसान होया आ बेमौसमी बारिश करके इहदे रिगार्डिंग साडी ये मीटिंग आ। बाकी साडी आपस विच सारे गलबात आ कि भाई कोई भी किसी दे किसी नूं बोलण दा हक दित्ता जावे जे कोई चलो सारियां गल्लां हुंदियां आ कोई सरकारां दे खिलाफ बंदा तां नहीं कोई भी हुंदा पर मसला जिहड़ा आ आवाज़ चुकणी दा साडा फर्ज आ जिथे किते गलत हुंदा आ उहदा आवाज़ चुकणी साडा फर्ज आ जो साडे किसानां नूं चाहीदा आ मुआवजा वह बनदा हक दिता जाए तां करके जो फसली नुकसान दा मेन मुद्दा साडा इही है।